सामने दोस्तों ऑस्ट्रिया वियना में और एक्सप्लोर करने निकला हूँ। सबसे पहले नाश्ता करना है, दोस्त जो जर्मन फ्रेंड है उसके साथ ही। दोस्तों कई दिन से मीट नहीं खाई थी, हलाल नहीं मिल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह मिल गई है। ये एक इजिप्शियन बंदा है तो कबाब ऑर्डर करा है और साथ में ईरान कॉफ़ी फिर थोड़ी देर बाद लेते हैं। अच्छा मौसम बड़ा अच्छा है बट अप एंड डाउन है, कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, तो आई गेस अगर आप लोग आएँ तो प्रिपेयर रहें। बट ये फिर भी ये बहुत अच्छा मौसम है, ये द बेस्ट वेदर है इस वक्त यूरोप में। आज वियना और एक्सप्लोर करना है और आप लोग को दिखाते हैं चीज़ें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, सिटी जो है गलियां बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पर आएँ तो आप पास ले सकते हैं, दैट वुड वर्क प्रीटी गुड। दोस्तों एक और कंपैरिजन जो मैं अक्सर करता हूँ, ये मेडिकेशन है, ये जो है मैं लेता हूँ एलर्जी के लिए और हे फीवर मुझे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कंपेयर करें यहाँ का हेल्थ सिस्टम और ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान तो खैर छोड़ दें, पाकिस्तान में तो ये मेडिसिन 200 रुपए की है, तो $1 या 75 यूरोज़ की आपको पड़ेगी। यहाँ पे ये मेडिकेशन मुझे अभी मिली है 14 यूरोज़ की, और यही मेडिकेशन ऑस्ट्रेलिया में मुझे मिल सकती है अराउंड यूरोज़ की अगर बात करूँ तो 4 यूरोज़ की, 4 यूरोज़ वर्सेस 14, आप डिफ्रेंस देखें। इवन दो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें तो एक्सपेंसिव है, बट अगर यहाँ से कंपेयर करें, इसी तरह अगर आप तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके आपको पे करने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो फ्री है, अगर आप हॉस्पिटल जाएँ पब्लिक या क्लिनिक्स जाएँ तो वो सब फ्री हैं कंसल्टेशन, और यहाँ पे जो है आपको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ते हैं, चाहे इवन दो अगर आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई गेस अनदर गुड थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, और ये सब चीज़ें जान के मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मुझे वहाँ की अच्छी चीज़ें पता चलती हैं, तो आई थॉट एक और चीज़ें शेयर करते हैं। खैर मेडिकेशन लेता हूँ क्योंकि वेदर ऐसा है कि ये लेनी ज़रूरी है मुझे, तो फिर आपको और वियना दिखाता हूँ। दोस्तों सोचा आप लोगों को यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी एक दिखाऊं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है। ज़्यादातर जो ट्रेन हैं वो अंडरग्राउंड ही हैं और इस तरह के स्टेशन हैं, आप देख सकते हैं नीचे ट्रेन हैं, तो नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सिमिलर काइंड ऑफ टर्मिनल है मेलबर्न से, ये टिकट मशीन है, इधर से आप टिकट ले सकते हैं इंग्लिश आप प्रेस करके। 1-day trip है आपके पास, तकरीबन 240 का वन ट्रिप का टिकट है, डिस्काउंटेड है। वीकली टिकट जो है वो मैंने लिया हुआ है, 17 यूरोज़ का पूरे वीक का टिकट है, और मंथ का भी अवेलेबल है, 24 आवर्स 48 आवर्स 78 आवर्स भी है। तो यहाँ पे है ऑस्ट्रिया और जर्मनी में ये नेम्स प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। अब आप इसको प्रोनाउंस करके दिखाएं, इसको मुझे मैं कोशिश भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, और ये लोग बड़ी अच्छी सी प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं।